मैं तैयार होके आज जा रही हूँ परेड मार्केट। तो ये ले तेरे पैसे, ये मेरे पैसे, ठीक है भाई। हमको परेड का पी भी नहीं पता और हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए। बताओ कमेंट करके कौन सा अच्छा लगा। मेरा रणवीर कपूर वाला चश्मा लेने लगी भाई। गुच्ची है, मजाक थोड़ी है यार। रणवीर सिंह लग रही हूँ। आप एक खोलो, गीतू जी कांट कुक। अच्छा हाँ जी, ये प्लाई प्लाई ये टोस्ट देखो। ये देखना बीच में क्या डाला हुआ है, अपना अपना टेस्ट है। चिप्स डाले हुए हैं, पोटैटो चिप्स हैं गाइस। पोटैटो का वो है, ये क्या बोलते हैं, टोस्ट। नाइस, वेरी गुड। साथ क्या खाओगे? साथ ही चाय। वाह नाइस, चाय के साथ कुछ चटकदार होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है। और मैं कर रही हूँ वर्कआउट, आज है मेरा शोल्डर डे, तो साथ में थोड़ा बैक कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बैक का कोई वर्कआउट नहीं पता यार। ऐसे डंबल के साथ खाली ये क्या बोलते हैं इसको, कौन सा रहो, बेंड रहो, पता नहीं खड़ा रहो, खाली यही कर रही हूँ मैं। बैक चेक कर रही हूँ और ये इसके नट ढीले हो जाते हैं। और जिस दिन प्लेटें खुलगी ना, मेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे सस्ता डंबल लेने के लिए। इशू को डॉक्टर के पास जाना है और मैंने इशू को 5 मिनट का टाइम दिया तैयार होने के लिए। टाइमर लगा हुआ है, उसमें से मुझे लगता है 3 मिनट तो बीते ही होंगे। अभी वो बजेगा मेरा फोन वहाँ पे जो पड़ा है, और बजने ही वाला होगा बस। मम्मा क्या लगाए? आईब्रो पेंसिल मस्कारा। सबसे ज्यादा तो आईब्रो पेंसिल लगाती है। इसके महीने की 2 बोतलें काली खर्च होती है अपने आईब्रो को रखने में। 2-3 साल हो गए इसको, बकवास नहीं करते। इशू ऐसे वर्ड ही नहीं यूज करते थे, बकवास, पता कितने गंदी वर्ड है ना। तमीज से बात करें, मुझे तमीज सिखाएगी, मैं बड़ी हूँ। इतनी जोर से मारते हैं उसके ऊपर। अपर्णा बीमार तो नहीं लग रही आप, हर बार झूठ बोलती है। आज तेरी स्किन वैसे ही क्लीन लग रही थी, थोड़ा गले में भी कुछ लगा ले। छोड़ यार, गला कौन देखता है। मम्मा उस वक्त के घूम रहे हैं, रबर ढूंढ रहे हैं। अभी ढूंढ के देखते हैं, पता नहीं कहाँ रख दिया। लगाओ फिर मिटाओ, फिर लगाओ फिर मिटाओ। चुन्नी मेरे रंग दे ललारिया, तेरे नाल गड़ी दे नाल। ले बहन होगी तैयार, 5 मिनट में तैयार हुई हूँ। जस्ट अभी टाइमर बजा, जस्ट अभी, जैसे ही मैंने बोला कि मैं होगी तैयार। इतनी दुखी हुई हूँ मैं, इतना बड़ा सामान उठाया, इस लड़की को चाय की पड़ी है, तो चाय पी रही है। इतनी गर्मी है जम्मू में इस वक्त, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, और ये लड़की चाय पी रही है। भैया एक असली डीलर वही है जो गर्मियों में भी चाय पी सके। मम्मा के तंदरा की चाय थी, लेकिन दुकान में मेरी बेइज्जती हुई है क्योंकि मैंने बेकरी ली और मैं पैसे दिए बिना बाहर आ गए, तो भैया बोलते मैडम पैसे नहीं देने। तो भैया देने यार, थोड़ी ब्लॉग में आती, मतलब जम्मू की खुलती हुई गर्मी में अपर्णा दिवाल रोड पे खड़ी होती चाय पी रही है, खुलती हुई चाय। तो अपर्णा तेरी मजबूरी, गर्मी चाय और बिस्कुट। तो इस कुड़ी ने गर्मी में चाय, तो देखो जी जम्मू के पता नहीं कौन सा कोना है जहाँ पर ये मैडम जी ये नीचे बैठ के चाय पी रहे हैं, एस्थेटिक चाय वाला। तो चाय का ठेला ही खोल रहे, आधी चाय तो तू ही पी जाएगी। फिर क्यों बोल रही हूँ, मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। आए तो मैं साड़ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठी। बैठो 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 बैठो, गर्मी कहाँ है मम्मा। ये रब्बा, मैं दुनिया में इस कोने में बैठना चाहिए किसी दिन। ये रब्बा, ये लोग ना एसी में बैठे रहते हैं, इसलिए इनको बाहर निकल के ना ऐसे ऐसे होता है, एसी में नहीं बैठना चाहिए। यार मुझे अंदर से फील आ रही है कि इन अंकल को पैसे देने चाहिए। रख लो, ठीक है, खुश हो आप? हाँ। खुश हो ना? हाँ। बाय बाय। ऐसा कुत्ता होना चाहिए जो फुलका खाए, चोमू की तरह नहीं, मलाइयाँ भी चाहिए, तो नखरे शखरे इतने पूरे, हेल्दी भी कितना गया है कि नहीं मम्मा। अरे सुंदरी कैसी है रे? ठीक हूँ, बस चोमू को नहीं लाए। नहीं चोमू को नहीं लाए। राजू ट्यूशन पढ़ा रही है, इन दोनों को साथ मेरे को भी पढ़ा रही है। पर ये तो मेरे को एक नंबर से करना आता, दो से कैसे करते हैं? 6 1 6 8 1 6 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16 8 1 16
निकाल देते हैं स्कूल से। अभी करके दिखाते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलते। 8-6 सर कितने होते हैं? 24 तो हमारा पहला सम ऑलमोस्ट होने वाला है। 9 7 8 6 ये ले, ये आंसर।
34 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों का ऐड किया। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे नीचे क्रॉस नहीं डालते, फिर यहाँ पे लिखते हैं 1314। अच्छा पूरा गलत है ये। व्हाट इज दिस? क्या मैं यूट्यूबर ठीक हूँ? चलो तो गाइस आज हम कुछ नया करेंगे आज, ठीक है? ये कुछ छोड़ता है टेबल क्यों सीखूं भाई मैं? तू मेरे को चैलेंज कर रही है, तू मेरे को चैलेंज कर रही है। चल ठीक है, मैं देखो 15 तक टेबल याद करके दिखाती हूँ। अब देखो भाई, ठीक है? तो वाओ यार, एसी की हवा लग रही है और मैं लग रहा है कि मैं कोई मूवी शूट कर रही हूँ। तो मैं तैयार होके आज जा रही हूँ परेड मार्केट। जम्मू वालों को पता होगा कि परेड मार्केट कौन सा है, वहाँ पे सस्ते सस्ते अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो पहले राजीव ब्लॉग करने वाली थी, इस चुड़ैल ने क्या किया, अब इसके फोन की स्टोरेज फुल है तो कहती तू कर ब्लॉग। तो तब से मैंने ब्लॉग ही नहीं शुरू किया, मैंने तैयार हुई ये किया वो किया, अब वहाँ पे जाके अंधेरा हो जाएगा तब ब्लॉग करूंगी मैं। माई ओल्ड डैडी अंदर ये पहना है, ऊपर ये शर्ट पहनी है, नीचे ये जॉगर्स पहने हैं। और पता नहीं बाहर मेरे को बहुत पसीना आने वाला है, जम्मू में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। मेरे को वीडियो बनानी है ना, इसलिए साल लगा दिए तैयार होने में। बदतमीज, खुद ने 6-7 घंटे लगाए। हाँ तो मैं जल्दी तो तैयार होगी ना, तेरी तरह तो नहीं टाइम लगा रही मैं। मम्मा देखना अपना ही लगे, मैं मम्मा की मुंह पे नहीं खत्म हो रही। चल इसको तक निकालना पड़ेगा। यार 6 बज रहे, अब क्या व्लॉग बनेगा? शाम होगी अभी, घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, घंटे तक तो हम मेटाडोर से ठीस करके वहाँ पहुँचेंगे परेड। मैं इसको मतलब इसका ये कहना है कि मैंने अब अगर व्लॉग बनाना है तो फिर लेट हो रहा है तो फिर नहीं चलेगा, लेकिन अगर इसको व्लॉग बनाना था तो लेट हो रहा था तो मेरे को चल रहा था। वैसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं पहले से तैयार होकर बैठी हूँ। मैंने इसको बोला कि व्लॉग के लिए लेट हो रहा है तो चलना है कि नहीं चलना है, उस वक्त मैं इसको बोल रही हूँ कि तूने व्लॉग बनाना है नहीं बनाना, चलना है नहीं चलना है, तब भी ये बोल रही थी कि मेरे को बनाना है, मेरे को बनाना है व्लॉग। तो फिर तो वो इसकी हेड है ना, अगर इसको व्लॉग बनाना है तो फिर तेरे को व्लॉग बनाना है तो फिर वो तेरी हेड है ना, तो किसी वजह निकलेगी है तू खुद लेट ना आई, किसी वाला बंदा आया वीक किया बुक किया, चल दफा बकवास। मेरे को नहीं जाना इसका, मैं अकेली जा रही हूँ अपनी वीडियो बना दूंगी मैं, चल दफा यहाँ से। सबका व्लॉग का अपना अपना तरीका होता है ना, मेरे को क्या पता कि तू कितने टाइम में व्लॉग बना सकती है, मैं नहीं बना सकती 1-2 घंटे में व्लॉग। जा रही हूँ मैं, तमीजी है यार, मैं ही बड़ी कुत्ती हूँ। तूने आना कि नहीं आना? अब से ना लकड़ियों की शीशा दिख रही है, तू आ तू आ तू आ तू आ तू आ। अभी देख लो मैं कैसी लग रही हूँ, और 1-2 घंटे बाद जब पसीना पसीना हो जाऊंगी तब कैसी लगूंगी। देखिए जी पांग ही पांग लगे हैं, पांग के खेत हैं, आप यहाँ चाहे तो पांग का बिजनेस कर सकते हैं। बहुत टेस्टी है। इशु क्या पता जहर हो ये? पांग है तो परेड में मैं ऐसे करूंगी। क्या करना है पीने वाला? क्या करना था पांग वाला? मैं खाती रहती हूँ पांग, गुड फॉर हेल्थ। यार एक दिन क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मेरे को पांग खाती हूँ डेजरी, मैं कहीं गई थी वहाँ पे पांग का खेत लगा हुआ था, मतलब ऐसी डेजरी पांग लगी थी, तो मैंने पूरा एक बूटा खा लिया पांग का कि मेरे को नशा चढ़ेगा नशा चढ़ेगा, पर नशा चढ़ा ही नहीं। मतलब आपको बहुत सारी पांग चाहिए नशा करने के लिए, है ना राजी? मतलब वो ऐसे पांग को कूट कूट के छोटी सी गोली बनाते हैं, उससे भी थोड़ा सा गंदा था यार, बहुत गंदा था। और ये देखो गेट के ऊपर लिखा है लवी डवी वाला गेट, ये देखो लवी डवी वाली गेट या फिर वाला गेट लिखा हुआ है भाई, इसके अंदर लोग लवी डवी करते हैं। लेट हो गया। कहाँ जा रहे? लेट हो गया। पार्टी हो रही बहुत भयंकर, पार्टी के गजब ना जा रहे, इसके मुंह में पानी आ गया। अभी मेटाडोर में पार्टी करेंगे, मेटाडोर में बैठे। यार मेरे को ना कुछ लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि आपके तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो आप मेटाडोर से क्यों सफर करते हो? तो क्या भाई फ्लाइट बुक करें? फ्लाइट बुक करूं मैं यहाँ से परेड तक जाने के लिए? अब नहीं है यहाँ पे कोई गाड़ी शाड़ी तो क्या कर सकते हैं? मतलब गाड़ी है ही नहीं हमारे पास, लेंगे इन फ्यूचर गाड़ी। बोल रहा हूँ दो बांदरियाँ जा रही है। इसको एक्सपायर हुए कितना टाइम हो गया? पिछले साल नवंबर में हो चुकी है एक्सपायर, नवंबर में एक्सपायर हो चुकी है, और इसका टेस्ट बहुत गंदा है। ये इसको एक्सपायर हुए 1 महीना हो गया, ये एक्सपायर नहीं है। जम्मू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखो जी पसीना इतना है इसको कोई हिसाब नहीं, मेकअप धुल गया सारा, इसको निकलता ही नहीं भाई, इसको देखना ट्राई है एकदम। ग्लोइंग गर्ल यू नो। ऑटो कर लिया हमने क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा, व्लॉग नहीं बनने वाला देखो। पहुंच गए, ये ले तेरे पैसे, ये मेरे पैसे, ठीक है? भाई हमको परेड का पीवी नहीं पता और हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए, मतलब किसी से पूछ रहे कहाँ जाना है कहाँ जाना है, तू तो जम्मू ही रहती है ना, तुझे नहीं पता फिर कुछ नहीं पता यार। तो ये हमने मम्मा के लिए लिया क्योंकि मम्मा को कुछ खुला पहनने के लिए घर पे चाहिए था, तो ये हमारी लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। तो मैंने एक कुर्ता ले लिया है 250 का। मजा नहीं आ रहा है, ये ले लेते हैं।
अच्छा लग रहा है या ये वाला? बताओ कमेंट करके कौन सा अच्छा लग रहा है। Few moments later. भाई हम थोड़ी चीटिंग कर रहे हैं, मतलब चीटिंग क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ऐसे, मतलब लाइट चली जाएगी इसलिए हम पहले ही दिखा रहे हैं कि हम शॉपिंग कर चुके हैं थंबनेल के लिए। तो ये हो गया इसका, ये चलो जी हो गया हमारा थंबनेल। सेम थलों के साथ करने वाले हम, ठीक है। तो सोच रही हूँ की मैं अपने लिए चश्मा लूँ और अभी मैं लेने वाली 100 रुपए वाला मास्क, 100 रुपए का 100 रुपए का मैं भी लूंगी। अरे साला मैं तो साहब बन गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहली बार मुझे कैसा लगा भैया? इस शेप में बिल्कुल डार्क होगा कोई? वाह ये अच्छा लग रहा है, ले लू। ये देख कितने देर चश्मे लेके बैठा है ना मेरे पास, नजर वाला भाई। तो वो नजर वाला है ना, रणवीर कपूर बन जाओ। मैं रणवीर कपूर वाला चश्मा लेने लगी, सॉरी रणवीर सिंह वाला। नहीं प्यार सही है, ये कैसा लग रहा है कुछ बताओ? पंखी लग रहा है, पंखी लग रहा है क्या? ये हर किसी को पंखी लगता है? नहीं तो तू पता क्या लग रहा है? जो बीच के पास जाते हैं ना, बी हाइव्स के बीच में जो जाते हैं हनी निकालते हैं, वो लग रहा है। ये तो मेरे को बोला लग रहा है ब्रेकिंग बैड वाला जो बंदा लगाता है ब्रेकिंग बैड, अगर आपने सीसी देखी है तो उसमें वो ये लगाता है, नाम याद आ रहा है मेरे को, बुड्ढे का। भाई गुच्ची है, मजाक थोड़ी है, जल्दी का टाइम याद आ गया। यार जब मैंने कबीर सिंह वाला चश्मा लिया था अब इसे यार कूल लग रहा है, कूल मतलब अच्छे वाला, जैसे हम बाहर जाते हैं ना कहीं घूमने के लिए। ये कॉमन वाला भी होना चाहिए ना। नो आई एम नॉट कॉमन, देन व्हाई शुड आई वेयर कॉमन? यार रणवीर सिंह लग रही हूँ। भाई सिलेक्ट किया ना? मैंने कब सिलेक्ट किया रणवीर सिंह वाला? तूने बोला कि मैं कॉमन। मैंने नहीं बोला कि मेरे को रणवीर सिंह लगना है। शट अप, यू शट अप। टीवी, राजी अपना टीवी साथ लेके चलती है, वो भी दो अंधी लग रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ खास मिला नहीं यार, ना इसको ना मेरे को। चैलेंज हमारा थोड़ा बहुत किया है हमें, चैलेंज रद्द हो गया। नहीं यार तू रद्द हुआ है, हमारा चैलेंज हम दो बच्ची करो इसके साथ। हम पी रहे हैं ये वाला पानी, सोडा नींबू पानी। मैं ये सोडे से ना सर्फ एक्सल का टेस्ट आ रहा है, वो इसके बदल के बी एंड विस्की। हम विस्की पीते हैं और जिंदगी चैन से जीते हैं। सर्फ एक्सल पी लिया, अब जा रहे हैं घर। सबसे पहले मैंने लिए ये टी शर्ट और गेस कर इसका प्राइस, ये है 50 रुपीज ऑनली। ये लिए है जिम पहनने के लिए पजामी ट्राउजर, ठीक है। इसके बाद ये 100 रुपए की, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, ये देखें एकदम मलाई कपड़ा है, ऐड कर दिया ये। ये मैंने टैंक टॉप ली 100 रुपए की, पर ये बहुत खुली और बड़ी है मेरे को वहाँ पे साइज का अंदाजा नहीं हुआ, तो इसको शायद मैं कटा के टाइट करा दूँ। ये भी 100 रुपए की है। इसके बाद लिए मैंने 3 कुर्ते पहन के दिखाती हूँ। फर्स्ट कुर्ता इट्स अ शॉर्ट कुर्ता, थोड़ा सा खुला है, पर मैं मोटी हो जाऊंगी थोड़ी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, 1 सेंट कुछ कमी लग रही है। ये है 250 रुपए का। नेक्स्ट तो ये मेरे को दूर से देख के बहुत पसंद आ गया था, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है आज के परचेज में से। शॉर्ट है, अच्छा लग रहा है ना ये, देख सबसे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट तो ये है मेरा लास्ट परचेज, या ये थोड़ा खुला नहीं लग रहा है, चलो मैं मोटी हो जाऊंगी कोई चक्कर नहीं, शोल्डर ब्रॉड करने पड़ेंगे थोड़े। तूने दिखाना अपने, चल आ जाओ, चल दिखा जो 3 चीजें ली है तूने। इसने 300 रुपए की शॉपिंग की है, मैंने भी कितने की है, 150 सॉरी 250 500 750 750 1000 1100 कैसे कैसे? अच्छा 250 तो खाली ये 250 कितने हुए? 600 एक 250 नहीं त्रै ढुलाई का, येलो वाला और वो वाला कुर्ता, ये दोनों 600 का, 600 700 800 850 फिर ये वाली व्हाइट शर्ट 900 1000 ये दोनों है 150 गए 1000 150 की नहीं है ये 1200 नहीं ये दोनों मैं रिजेक्ट करती हूँ, ये मेरी चॉइस की नहीं है, ये तेरी चॉइस की है। 1400 1500 1600 और सोच ही लगा वाले सही बोल, मैं नहीं मानती। चलो एटलीस्ट मैंने चैलेंज तो कंप्लीट किया ना, तूने 1400 तूने तो 300 रुपए का सामान लिया, अब बोल चल दिखा। मुझे लेने का दिया, चल चल दिखा तू अपना पहन के दिखा। मैं नहीं दिखाऊंगी वो, चल पहन के दिखा चल। भाई राजी चैलेंज हारती है, मैं दिखा देती हूँ। ये है राजी की फर्स्ट टॉप, ये पहन के राजी सपनों की दुनिया में जाएगी। ये मुझे बड़ी प्यारी लगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर से बिलोंग करता है, ब्राउन। ये मैंने सोचा बड़ी महंगी है, बड़ी प्यारी है, तो राजी चैलेंज हारती है। और ये भी राजी ने फटी हुई ली, राजू बोलती है कि मैं सिल दूंगी क्योंकि ये टॉप सिर्फ 50 रुपीज की आई है और ये अच्छी है। मैं पहन के दिखाऊंगी वाली, क्यों पहन के दिखा देती हूँ? नहीं आई थिंक देखो फिट नहीं आएगी मेरे को दे दे। ठीक है गाइस लड़ाई हो चुकी है, चैलेंज यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो मम्मा के लिए ये जो मम्मा ने शर्ट पहनी है ये ली थी, और जो मम्मा ने हाथ में और मम्मा के लिए पर्स लिया था। मैं एक्चुअली एक सच बताऊँ आपको राजू, बताऊँ ये पर्स राजी ने अपने लिए लिया। मैंने अपने लिए लिया, ठीक है इधर ही रहने दो, मैंने कौन सा स्कूल जाना।
तो मैंने मम्मा को बोला कि आपके लिए लाया तो मम्मा खुश हो गए। तो अब मैंने सच बता दिया मुझे ऐसा। तो ठीक है ना, आप रख लो अगर आपको अच्छा लग रहा। तो भाई एक असला रखते हैं हम, एक असली टी लवर। एक्टिंग तो मारनी पड़ेगी ना वीडियो में। हाँ तो ये ले तेरे पैसे, ये मेरे पैसे, ठीक है। ये ले वापस।